आदाब उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तबाल है मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने मजीद शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देने का क्या फैसला ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब के साथ वजीर आजम मोदी की बाहमी गुफ्तगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कृष्णा बोर्ड के सामने अपना अपना मौकफ किया पेश दरिया कृष्णा के पानी की तकसीम का तनाजा हल करने के लिए हैदराबाद में हुई मीटिंग शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलियात दस्तियाब कराने पर तवज्जो मरकूज करने का के टी आर ने दिया हुक्म वरंगल और खम्मा मजला के अवामी नुमाइंदों और हुकाम के साथ रियाती वजीर का जायजा इजलास और मुख्तलि शोबे जात के फलाई फंड मनरेगा के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत चीफ सेक्रेटरी ने नौजवान तबके को रोजगार दस्तियाब करवाने पर दिया जोर पेशे खबरों की तफसी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल समिट में शिरकत किया ये हिंद ऑस्ट्रेलिया सरबराहन की ऑनलाइन पहली मुलाकात है ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंदुस्तान के बढ़ते हुए रिश्तों का भी इस समिट से इजहार होता है इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी खास तौर पर तुल्बा का ख्याल रखने पर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया के साथ तालुक को मजबूत बनाने के लिए पाबंद अहद है इस दौरान दोनों सरबराहान ममलिकत के दरमियान काफी खुदगवार माहौल में बातचीत हुई के शोबे में हिंदुस्तान को अपोजिशन मिलने पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने मुबारकबाद पेश की स्कॉट मोरिसन ने वबा के इस दौर में वजी मोदी की तामीरी किरदार के लिए उनका शुक्रिया अदा किया ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने कहा कि वो खुशहाल हिंद बहरुल काहल खे की ख्वाह है और खत की जाम तरक् में हिंदुस्तान का रोल भी काफ़ी अहम रहेगा हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नौ दस्तावेज़ों पर दस्तखत करने का एलान किया गया है समंदरों में एक दूसरे के साथ ताउन का हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने माह किया है साइबर कानकनी और दिफाई शोबे में ताउन का माह हुआ है दोनों ममालिक ने अफवाज के जंगी मशक़ें करने से इतफाक़ किया है शहरी मकासद के लिए जौहरी शोबे में ताउन से भी इतफाक़ किया गया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के तनाजे पर मजाक हुए हैं हैदराबाद के जलासुदा में आज कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के महकमे आपाशी के सेक्रेटरीज और दीगर हुक्म के अलावा कृष्णा बोर्ड चेयरमैन मीटिंग में शरीक रहे पानी की तकसीम कोटा मुखर करने और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल के लिए ये मीटिंग हुई है दोनों रियासतों में बोर्ड के सामने अपना अपना किया है मरकजी वजी जल शक्ति मीटिंग, मीटिंग करेगा तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बनाए जा रहे कालेश्वरम प्रोजेक्ट और दीगर आबपाशी प्रोजेक्टों पर आंध्र प्रदेश की जानब से किए जा रहे ऐतराज की सुनवाई होगी वाटर बोर्ड के लिए फंड मुख्त करने बोर्ड में तकरत

हैदराबाद में मनदा मीटिंग में रियाती वजरा ई दयाकर राव पी अजय कुमार सत्यावती राठौड़ के अलावा दोनों अजला के अवामी नुमाइंदे और हुक्म शरीक हुए इस मौके पर के टी आर ने जेर जेरलतवा कामों को तर्जी बुनियादों पर पूरा करने की हिदायत दी वरंगल और खम्मम शहर में सड़कें फुटपाथ बैतुलखला की तमीर के काम को फौरी पूरा करने का हुक्म दिया गया डबल बेडरूम और दीगर तरीक़्याती स्कीमों पर पेशर रफ्त का वक्फे वक्फे से जायजा लेने की भी हिदायत दी गई जिले मेड़चल मलकाजगरी के पीरजादी में में शहरी तरक्की के प्रोग्राम में रिया मल्ला रेड्डी शरीक हुए इस दौरान इन्होंने पांच करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे सी सी और बी टी के अलावा ड्रेनेज निजाम के कामों का संग बुनियाद रखा इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने कहा कि पीरजादी गुड़े म्यूनसिपल कारपोरेशन के किए जा रहे तमाम तरक्या मनरेगा के काम मुकम्मिल करने का हुक्म दिया गया है चीफ सेक्रेटरी नेहदेदारों को हिदायत दी है कि वो महात्मा गांधी कौमी दही रोजगार तमानियत स्कीम के लिए मौसर अंदाज में फंड का इस्तेमाल करें इस जिम्मन में दरकार मंसूबे बनाने की हिदायत दी गई है और सीजनल कैलेंडर तैयार रखने का भी हुक्म दिया गया है नौजवान तबके को रोजगार का हसूल यकीनी बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी ने हुकाम को हिदायत जारी की है दही इलाकों में जरिए और मुंसलक शोबों के काम कराने पर भी जोर दिया गया है आबपाशी प्रोजेक्टों का मुशाहिदा करने के लिए जा रहे कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया सीसीसी सी 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 सदर उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर लीडरों को चेक पोस्ट पर रोक दिया गया कांग्रेस मंचरिया डैम जा रहे थे और वहां पर कामों का जायजा लेना चाह रहे थे तमाम कांग्रेस लीडरों को जिले संगारेडी के भानूर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया बाद शख्स मचलकों पर उत्तम कुमार रेड्डी जग्गा रेड्डी और दीगर को रिहा किया गया इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की मां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है इन्होंने कहा कि आपाशी प्रोजेक्टों का मुशाहिदा करना अपोजिशन लीडरों का हक हाँ है जरिय शोबे के माहरीन का एहसास है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी दी फॉर्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस काफी मुफीद साबित होगा ज़रात को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मरकज के इस फैसले को काफी अहम करार दिया जा रहा है किसान अपनी पैदावार और फसल मुल्क में कहीं भी फरोख करने के अहल होंगे इससे किसान को अच्छी कीमत मिल सकती है जिले बिद्दापल्ली के किसानों ने मरकज के फैसले पर मसरत जाहिर की है किसानों का कहना है कि कास्ट का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ऐसे में मरकज के फैसले से उन्हें काफी राहत मिलेगी जरअी शोबे के कानून में तब्दीली को मरकजी काबिना की तरफ से मंजूरी पर माहरी ने मगदम किया है जरूरी की से कुछ फसलों को इस्तेसना देने के फैसले पर वरंगल काकतिया यूनिवर्सिटी के साथ मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने केरल के मल्लापुर में मादा हाथी के कत्ल पर रद्दमल जाहिर किया है इन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले में काफी सख्त कार्रवाई करेगी मरकजी वजीर ने बताया कि वाक़े की मुकम्मल जांच के लिए सीनियर हुकाम को मुखर किया गया है मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और रमेश पोखरियाल ने स्मार्ट सिटी मनसूबे के लिए नौजवानों की तरबियत के लिए नए प्रोग्राम का अफ्तः किया इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहरी और नीम शहरी इलाकों में जदीद सहूलियात फ्राहम करने की गर्ज से ही स्मार्ट सिटी स्कीम चलाई जा रही है मरीजों को घर की डेहलिस पर ही अद्विया की फ्राहमी का प्रोग्राम तेलंगाना हुकूमत मौसर अंदाज में चला रही है दही इलाकों में वक्त पर मरीजों को तिब्बी मदद फराहम की जा रही है शुगर ब्लड प्रेशर का शिकार बुजुर्गों के तिब्बी टेस्ट उनके घर पर ही किए जा रहे हैं अद्विया की फ्रही के इस प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में चलाने की चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है इस जिमन में ए और आशा वर्कर के खिदमत हासिल की जा रही है में डालते हैं पर एक और नजर मुझे दीजिए इजाजत आदा हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने मजीद शोबों में बहमी ताउन को फरोख देने का किया फैसला ऑस्ट्रेलिया हम मनसब के साथ वजीर आजम मोदी की बाहमी गुफ्तगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कृष्णा बोर्ड के सामने अपना अपना मौकफ किया पेश दरिया कृष्णा के पानी की तकसीम का तनाजा हल करने के लिए हैदराबाद में हुई मीटिंग शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलियात दस्तियाब कराने पर तवज्जो मरकूज करने का के टी आर ने दिया हुक्म वरंगल और खम्मा मजला के अवामी नुमाइंदों और हुक्काम के साथ रियासती वजीर का जायजा इजलास और मुख्तलिफ शोबे जात के फलाई फंड्स मनरेगा के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत चीफ सेक्रेटरी ने नौजवान तबके को रोजगार दस्तियाब करवाने पर दिया जोर